हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पॉन्ड का कितना खर्चा है। बहुत सारे लोग मुझे रिसेंटली कमेंट कर रहे थे कि आपने जो पॉन्ड सेटअप किया उसका कॉस्ट कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना है, तो डिटेल से बताओ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पर जो मैंने टब लिया है 150 रुपीज़ का टब लिया है, और ये जो मोटर है 250 की। इससे पहले आपने देखा था ये पहले 40 वाट्स की जो मैंने मोटर मंगवाया था, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको निकाल दिया। अभी 25 वाट्स की एक मोटर लगाया 250 रुपीज़ में, अमेज़न में आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 250 मोटर है, 150 टब है, और अंदर का जो है प्लांट्स वगैरह सब मिला के टोटल कुछ कास्ट है 700 रुपये के प्लांट्स हैं। 700 प्लस 250, 1050 और इसके 150, 1200। और लाइट्स, ये प्लांट्स वगैरह मेरे पास ऑलरेडी थे, और ग्रेवल भी मेरे पास थे, 1200 थे। अंदर का एक ग्रेवल ऐड कर दें 100 रुपये का, अगर आप डालना चाहते 1300, और फिशेस एक 200 रुपये के, 1500 में ये सेटअप हो जाए अगर आपके पास लाइटिंग वगैरह है तो। ये सब आप नेसेसरी नहीं है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप निकाल भी सकते हैं। तो इसका टोटल कास्ट है 1500 कुछ आ रहा है, इंक्लूडिंग मोटर एवरीथिंग। मैंने ऑक्सीजन अभी बंद किया, अभी चलाता हूँ देखिए, क्योंकि हार्ड मोली फिश जो है हार्डी फिश है, इसको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विदाउट ऑक्सीजन भी आप इसको रख सकते हो। फिर भी मैंने थोड़े डेकोरेशन के लिए दिन में 4-5 घंटे चला देता हूँ, बाकी टाइम में बंद रखता हूँ। अभी मैं मोटर देखिए, मोटर चालू हो गया, इस तरह चलता है, 4-5 घंटे ही चलता है, ज़्यादा मोटर मैं ऑन नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोली फिश को, ऐसे भी विदाउट ऑक्सीजन भी हो रही जाती है, लेकिन खूबसूरती बढ़ाने के लिए वाटरफॉल जैसा कुछ लगता है तभी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो ये आपको कैसा लगा 1500 में पूरा सेटअप, अगर आप अपने बालकोनी में या पॉन्ड में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन पूछेंगे क्या ओवर सनलाइट से इशू होता है, क्योंकि बालकोनी में ओवर सनलाइट आता है और बिल्ली या चील वगैरह आके लेके आते हैं। तो हाँ, अगर ऐसा ओपन रखेंगे तो रात के टाइम पे चील वगैरह लेके आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्लास्टिक है, ये वाली प्लास्टिक है, हम लोग रात में ऐसा बांध देते हैं, लाइट पूरी बंद कर देते हैं, दोनों तरफ इसको बांध के नीचे जो ये वाला लगा हुआ है इसके ऊपर लगा देते हैं। मैं एक बार आपको डेमो दिखा देता हूँ किस तरह नाइट में हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्लांट्स वगैरह सामने है ना, जिसके ऊपर रख देते हैं और इसको यहाँ पर बांध देते हैं रात में, इस तरह इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बिल्ली चील वगैरह कुछ लेके ना जाए। और वैसे दिन में तो हम लोग इसकी देखभाल करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर बाहर बैठना उठना रहता है, चेयर भी यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, तो रेस्ट करते रहते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर रहता है, तो देखभाल हो जाती है। तो ओवरऑल इस तरह आपका बालकोनी में एक सेटअप बना सकते हो 1500 रुपये में। ये सेटअप कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं या इम्प्रोवाइज़ करना है या इसमें कुछ रॉन्ग है तो भी आप कमेंट करके बता देना, ताकि हम लोगों को कुछ उसके बारे में आइडिया मिल सके। तो आज का टॉपिक यही है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये टोटल कॉस्ट का हमारे पास वीडियो था, जो फिशेस का और ये जो ओवरव्यू है मैं एंडिंग में डाल रहा हूँ, आपको पसंद आया तो देख लेना, वो ओवरव्यू पूरा मैं दिखा रहा हूँ, फिशेस कैसी है अंदर और फीडिंग करने के टाइम पर उसका वीडियो, और ये सराउंडिंग का पूरा मैंने कवर किया, वो वीडियो एंडिंग में डाल रहा हूँ, उसको देख के एंजॉय कर लेना। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर एक नेटवर्क के साथ मिलेंगे, अब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय। We'll be right back.